दिव्य कला मेला, स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के निकट, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली। 2 से 7 दिसंबर 2022 प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक सशक्त दिव्यांग समर्थ दिव्यांग दिव्य कला मेला। 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादों को प्रोत्साहन करने के लिए विशिष्ट मेला, अवश्य पधारे। धन्यवाद। प्रवेश निःशुल्क। आज हम आपको एक रोज़गार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कैसे कमा कर सकते हैं पैसे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं हमारा टॉपिक रोज़गार सर्च। हमारा आपने ब्लॉग आर्टिकल पढ़ने के लिए शुक्रिया। आजकल के लड़के अपने मोबाइल से पैसे कैसे कमा सकते हैं इसका मालूम नहीं है। हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। एक लड़का विकलांग है, कोरोना लॉकडाउन में कंपनी में जॉब छोड़ सुमित दोनों हाथ दोनों पैर पाए उससे भी काम नहीं कर सकता था, फिर भी एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन से सुमित कमाया है। घर में रहकर इंटरनेट से 4 ग्रुप बनाकर उसने अपने घर में रहकर भी नाक से टाइप करके आज 1 लाख रुपये कमाया है। अर्न प्रोग्राम क्या है? यह मीशो का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रेफ़र करने वाला 25,000 रुपये तक कमा सकता है और अपनी कमाई हुए पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इस ऐप में आप रेफ़र किए हुए लोगों और कमाए हुए पैसों का विवरण ऐप में दिखाई देता है। सारी जानकारी बिल्कुल साफ रही है जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। मीशो ऐप के रेफ़र प्रोग्राम के तहत जब आप किसी को ऐप पर रेफ़र करते हो वो मीशो ऐप से शॉपिंग करता है तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। आप लिंक पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपकी कमाई चालू कर सकते हैं। छोड़ा है जीवन में सफलता कैसे होती है? उसने नाक से फ़ोन को स्मार्टफोन अपडेट कर सकता है। मुस्कान काम नहीं कर सकती लेकिन उंगलियां काम करती है। कोशिश नहीं कर सकती लेकिन मेरे कंधों में बहुत दर्द होता है। मैंने सोचा कि क्या टाइप नहीं करना चाहिए। मोगली मेरे नाक से टाइप करना शुरू कर दिया और मेरी नहीं सीखी। आप ऐसा नहीं करते। टाइप करते समय स्क्रीन थोड़ी देर से लिए टिमटिमाती थी और जब कुछ अदृश्य था लेकिन भगवान की कृपा से मैंने बहुत कुछ टाइप किया। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि मुझे अपनी नाक से टाइप करने की इतनी आदत है कि लोग नहीं जानते कि मैं टाइप कर रहा हूँ या नहीं, मेरी नाक या मेरे हाथों से। व्यवसाय और शिक्षा दोनों कर रहे हैं। ऑनलाइन कपड़े देखने वाले समूह है और मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ महीने पहले शेयर बाजार में खरीदना और बेचना शुरू कर दिया था। मैं दोनों व्यवसाय ऑनलाइन करता हूँ। मैंने अब तक 1 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है जो 17 साल में उच्च स्तर पर पहुँच गया है। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी न रुकने नहीं दिया ना गेव अपने बेटे की हर कदम पर मदद करने के लिए वहाँ रही और उसके ऑपरेशन के दिन हम उसे अस्पताल में विशेष अभ्यास के माध्यम से ले गए। परीक्षणों से उसकी मदद की क्योंकि बीमारी ने उसके महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित किया। वह हिलने डुलने और अन्य काम करने में सक्षम था। उसकी माँ लगातार उसके दीवार से पास खड़ी रहती थी। सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से खाना खाती थी। अगर वह बाहर जाना चाहता तो उसके साथ स्कूल में था। जब मैं कार तक पहुँचता तो वे उसे उसमें बैठा कर ले जाते और फिर उसका एक दोस्त उसे 4थी मंजिल पर ले जाता था। वह एक अच्छा लड़का था। अगर छोड़ दिया जाए तो वह सफल नहीं होते। अगर उनकी उम्मीद है जीवित है वे जीवन में बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। 3rd नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 उदयपुर राजस्थान। 1st century of the championship रन 125 इन 53 balls विथ 23 fours and 4 sixes। कमल कंचोले मध्य प्रदेश, द 1st century of the championship। कॉन्ग्रेचुलेशन कमल कंचोले।